दोस्तों, क्या आप चाहते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट करना, और साथ ही में क्या आप चाहते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट है एक दूसरे से, तो इनकी फाइल्स एक दूसरे के साथ शेयर हो जाए और साथ ही में डिवाइसेस शेयर हो जाए, तो इसके लिए कौन सी सेटिंग्स करनी पड़ती है ये जरूर आप जानना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्ट करते कैसे और फाइल शेयर करते कैसे। इंटरेस्टिंग रहेगा आपको सीखने के लिए। तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है, मैं सतीश शुक्ला का। तो आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक करना होगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं कंप्यूटर पे आ चुका हूँ आपको दिखाने के लिए ये कि फाइल कैसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेटवर्क की कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, बेसिक सेटिंग्स आपको याद रखनी है। बस करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको नेटवर्क का आइकॉन दिखाई दे रहा है, और उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आता है आपको ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसे ओपन कर देना है दोस्तों। जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी, जिसके अंदर ये ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको करना क्या है, टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी। तो इससे होता क्या है, आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो आपने उसे केबल से कनेक्टेड किया है या फिर आपने एक वाईफाई डिवाइस लगा के, जैसे आप वाईफाई डिवाइस लगा के उसमें वाईफाई से कनेक्टेड कर चुके हैं सभी डिवाइसेस, तो टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी ऑन करने से इन सब का नेटवर्क डिस्कवरी ऑन हो जाता है। मतलब जो भी कंप्यूटर अभी जिसका मैं नेटवर्क डिस्कवरी टर्न ऑन करूँगा, वो नेटवर्क में शेयरिंग के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही मुझे उसके फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग भी करनी पड़ेगी, और नीचे दिया है एनी वन कैन एक्सेस, एनी वर्जन है ना, वहाँ पे पब्लिकली एक्सेस कर पाएगा। तो ये तीनों भी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे इस तरह से चेक किए हैं, ये चेक करना यहाँ पे ज़रूरी है। मैं आपको ये विंडोज 7 में दिखा रहा हूँ, इस तरह की सेटिंग्स है। साथ ही मैं विंडोज 10 की पीसी में भी दिखाऊंगा, लैपटॉप में किस तरह से कर सकते हैं आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल ये तो देख लो कि विंडोज 7 में ये सेटिंग्स इस तरह से यहाँ पे टर्न ऑन रखना है, और फिलहाल इसे सेव कर देना। ऑलरेडी तो मैंने इसे कर दिया, टर्न ऑन वगैरह हो गया है। अब ये सेटिंग्स पहले करना है, सबसे पहले अब करना क्या है आपको, आपका जो कंप्यूटर है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। तो कंप्यूटर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको पता है स्टार्ट के अंदर से भी आप कर सकते हैं राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको आना है इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर, आपको दिखाई दे रहा है। तो कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको कंप्यूटर का नाम यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि मेरे इस कंप्यूटर का नाम है प्रिया पीसी, ये कंप्यूटर का नाम है। तो प्रिया पीसी ये नाम अगर यहाँ पे नहीं है, मतलब कस्टमाइज़ नाम मैंने किया है, अगर आपको कस्टमाइज़ करना है, यहाँ पे कुछ अलग नाम आ रहा है, कंप्यूटर 123 या डेस्कटॉप 123 ऐसा कुछ भी नाम आ रहा है, तो आप यहाँ से चेंज सेटिंग ऑप्शन से इसका नाम बदल सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और आप कस्टमाइज़ और इको फ्रेंडली नाम रख सकते हैं, या आपका खुद का भी नाम रखना है, जो भी रखना है वो रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाना है इस डायलॉग बॉक्स के अंदर चेंज में, और यहाँ पे नाम चेंज करना है, और नाम चेंज करते ही पीसी को रिस्टार्ट करना है, तभी ये नाम अप्लाई हो जाता है। फिलहाल वो नाम चेंज करते ही जैसे आप यहाँ पे ओके और क्लोज कर दोगे, तो वो पूछेगा आपको कि पीसी रिस्टार्ट करना ज़रूरी है, तो क्योंकि आपने नाम चेंज किया है तभी वो अप्लाई होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि नाम देखना है, ये नाम क्यों देखना है, क्योंकि इसी नाम से पीसी हम नेटवर्क में एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग्स क्या क्या करनी मैंने आपको बता दी। अब इस कंप्यूटर की कुछ फाइल मुझे शेयर करनी पड़ेगी, कोई फोल्डर वगैरह शेयर करना है या कोई ड्राइव भी शेयर करना है, तो मुझे जाना है माई कंप्यूटर यानी एक्सप्लोर में जाना है। विंडोज़ ई प्रेस करके ये भी एक्सप्लोर आप ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ और ई के प्रेस करने के बाद इस तरह से मेरे ड्राइव्स आ रहे, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे ड्राइव है, ये ऑलरेडी शेयर कर चुका मैं ड्राइव, आपको दिखाई दे रहा है। जो ड्राइव शेयर होता है उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर पे एक आइकॉन आ रहा है जो शेयर दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मली ये ड्राइव शेयर नहीं है, सपोज एच ड्राइव, तो मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ अभी, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोबारा मैं प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। इस तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन हर एक की अलग अलग रहती है। अब इसके अंदर आपको एक शेयरिंग ऑप्शन मिलता है दोस्तों, शेयरिंग ऑप्शन से आपको मतलब यहाँ पे फाइल शेयर करने के लिए अलाउ करना है इसे। तो शेयरिंग ऑप्शंस में जाना है, एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस में जाना है इस डायलॉग बॉक्स में, और शेयर दिस फोल्डर पे चेक करना। ये देखिए मैं हमेशा जूम करके बताता हूँ चीज़ें ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना क्या है। और परमिशंस पे जाना है, और यहाँ पे फुल कंट्रोल आपको देना है, फुल कंट्रोल देना है। इसके लिए फुल कंट्रोल देना है कि ये फाइल वहाँ से एक्सेस भी हो जाए, डिलीट भी कर सकते हैं उस फाइल के अंदर के कंटेंट, और इसमें जो फोल्डर में कंटेंट है ड्राइव में, अगर आपने इसे रीड ओनली रखा तो वो वहाँ पे देख सकता है दूसरे कंप्यूटर से, लेकिन उसे एडिट वगैरह या उसे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता उसमें। तो मैंने तो फुल कंट्रोल रखे फिलहाल, अप्लाई और ओके करता हूँ। तो अब मैंने जो ड्राइव शेयर किए हैं यहाँ पे एच और आई ड्राइव यहाँ पे इस कंप्यूटर से शेयर किए, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मेरा जो लैपटॉप है विंडोज 10 का है और उसमें मैं एक्सेस करके
करके दिखाता हूँ, लेकिन उसकी भी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है उसके अंदर। तो लैपटॉप के अंदर जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है और इसमें यहाँ पे जो नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है बॉटम में, वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेटिंग्स भी ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए इसमें चले जाते हैं हम लोग। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे इथरनेट पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में जो इथरनेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर मैंने क्लिक किया। इथरनेट ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में आ रहा है चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस, तो इसमें भी आपको इसी तरह से ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये दोनों एक ही नेटवर्क में कनेक्ट होने चाहिए, ये जरूरी है याद रखना है ये हमेशा। फिलहाल इसका टर्न ऑन डिस्कवरी ऑन करना है और टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ऑन करना है। इसमें ये दो ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन ऑन कर देने दोस्तों। और जैसे ही इसमें भी मैं ऑप्शन ऑन करूंगा, अगर इसके भी ड्राइव की फाइल्स वगैरह मुझे शेयर करनी है तो मैं इसके भी ड्राइव में चला जाऊंगा एक्सप्लोरर में, और इसके अंदर भी वैसे राइट क्लिक करके, जैसे ये 30 पीसी है मेरा, इसके अंदर भी कोई भी ड्राइव शेयर करना है, जैसे ये ड्राइव ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और शेयरिंग डिवाइसेज, वैसे सेटिंग्स है सब कुछ एवरीथिंग विंडोज 10 के अंदर भी। तो चलिए अब मैंने कर दिए है दोनों कंप्यूटर के शेयरिंग ऑप्शन ऑन। तो अब मैं इस लैपटॉप से मेरा जो विंडोज 10 है इससे मैं एक्सेस करना चाहूँगा वो विंडोज 7 जो कि इसी नेटवर्क में फाइल है, और तो उसका एच ड्राइव और आई ड्राइव मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, तो मैं एक्सेस करना चाहूँगा। तो करेंगे कैसे एक्सेस, चलिए देखते हैं। स्टार्ट और रन में जाना है, रन कमांड आता है, आपको पता है यहाँ पर रन कमांड आ जाता है, रन कमांड का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप उस पीसी का नाम लिखोगे ये स्लैश लिख के, तो पीसी का नाम क्या था, प्रिया पीसी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिया डैश पीसी, इस तरह से नाम था। मैंने आपको दिखाया था कि नाम चेंज करना कहाँ पे, प्रिया पीसी नाम रखना कहाँ पे। आप इसे आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये नाम से एक्सेस करना इजी रहता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंटर बटन प्रेस करें, जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे आपको पूछा जाएगा यहाँ पे एंटर नेटवर्क क्रेडेंशियल, तो उसका जो लॉगिन नेम है और वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो उसका जो लॉगिन नेम है वो है प्रिया और पासवर्ड है 123, फिलहाल तो मैंने वही रखा है, तो मैं यहाँ पे प्रिया कर रहा हूँ और 123 कर रहा हूँ और मैं एंटर करूँगा। जो भी लॉगिन नेम रहता है, लॉगिन नेम तो आपको पता रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये विंडोज 10 है फिलहाल तो, लेकिन आपको पता है कि स्टार्ट के अंदर विंडोज 7 के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ विंडोज 7 की स्क्रीन मेरे कंप्यूटर की, और स्टार्ट के अंदर ये जो लॉगिन नेम रहता है ये नाम जो रहेगा वो। अब ये ज़रूरी नहीं कि लॉगिन नेम से ही हर बार एक्सेस हो जाए, कभी कभी लॉगिन नेम यहाँ पे अलग रहता है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, तो आपको लॉगिन नेम चेक भी करना पड़ेगा कि आपका मेन लॉगिन नेम कौन सा है। फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नेम पहले से अगर विंडोज फॉर्मेट मारते समय रखा गया है और बाद में उसका नाम चेंज किया अपने यूजर का, तो इस यूजर ये लॉगिन नेम से एक्सेस नहीं होने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर ये नाम से एक्सेस होगा। एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा स्पेलिंग आपको ऊपर लिखना पड़ेगा जहां पे मैंने प्रिया लिखा है विंडोज 10 के अंदर लॉगिन स्क्रीन पे। लेकिन आपको अगर नाम चेक करना है कि क्या है आपका यूजर्स का, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर से भी लॉगिन नहीं हो रहा है और जो लॉगिन नेम दिया है उससे भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपके यूजर्स जो है वो आपको चेक करने पड़ेंगे कौन से, और उसके लिए आप जाएंगे, जैसे मैं विंडोज 7 में दिखाता हूं यहां पे मेरे कंप्यूटर के ऊपर, सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव के अंदर आपको जाना है यूजर्स के अंदर, और यूजर्स के अंदर यहां पे आपको दिखाई देगा मेरे लैब 3 प्रिया, अलग अलग यूजर्स मैंने बनाए थे, तो ये जो यूजर्स यहां पे दिखते हैं ये कोई भी यूजर्स आप लॉग इन करके देख सकते हैं, मतलब ये नाम एक एक लॉग इन करके देखेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे तो आ जाएगा। और जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे जो ड्राइव शेयर हो चुके हैं प्रिया डैश पीसी के वो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये एच ड्राइव और आई ड्राइव मैंने शेयर किए थे तो यहाँ पे वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी ड्राइव शेयर है यहाँ से आप फाइल उठा सकते हैं, उसके अंदर की जो भी फाइल्स आपको चाहिए आप यहाँ से कॉपी करके आपके कंप्यूटर में उसको पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे ड्राइव मैंने शेयर कर दिए दोस्तों, तो इस तरह से ये ड्राइव शेयर होते हैं, और आपको उम्मीद करता हूँ ये समझा होगा। कंसेप्ट बहुत ईजी है, अगर आपको कोई भी ड्राइव शेयर करना है तो उसे शेयरिंग में किस तरह से रखना है, कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है मैंने बता दिया है। तो अगर आप इस तरह से एक्सेस नहीं करना चाहते तो उसके लिए और क्या ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप एक्सप्लोरर में जाएंगे, एक्सप्लोरर में यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन नीचे दिखाई देता है, आप चेक करेंगे एक्सप्लोरर के अंदर ही नीचे नेटवर्क ऑप्शन रहता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेटवर्क ऑप्शन में यहाँ पे आपको पीसी नजर आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे प्रिया डैश पीसी है, इसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आप डबल क्लिक करते हो ये यहाँ पे एक्सेस हो चुका। अभी डबल डबल पासवर्ड तो एंटर करने की जरूरत नहीं, मैंने इसे ऑलरेडी पासवर्ड दे दिया है जो प्रिया और 123 पासवर्ड डाला था, तो यहाँ पे आ चुका है। तो कभी एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉगिन रह सकता है, तो आपको अगर आपके लॉगिन नेम से नहीं मिल रहा है, वो लॉगिन नेम से नहीं लॉगिन हो रहा है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डाल के देखिए। तो ये था शेयरिंग कैसे करना है, मतलब दो कंप्यूटर एक दूसरे के बीच में शेयर करके लैन नेटवर्क के अंदर हम लोग किस तरह से फाइल शेयरिंग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये पसंद आया होगा, और ऐसे ही नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और आने वाले दोस्तों, कंप्यूटर में और टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली है जो कि है कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो में बस आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों कैसा लगा ये कंप्यूटर शेयरिंग का टॉपिक, अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उसमें भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय।